ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। ऐसे तो मौजूद हैं मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल के परिसर में। मेरे साथ भाई साहब हैं जो किराड़ी में रहते हैं। किराड़ी पे हमने पहले ही आपको दिखाया है कि किस तरीके से किराड़ी गुंडागर्दी की नगरी बनती जा रही है, कि घरों में घुसकर लोगों के मारा जाता है, सामान बाहर फेंक दिया जाता है। और अब ये हालत पहुंच चुकी है कि एक छोटी बच्ची, जो आप मेरे साथ देखते हैं, छोटी सी बच्ची है 6 साल की, इसके साथ पहले बदतमीजी की गई। जब इनके पिता ने इसके लिए आवाज़ उठाई तो घर में घुस के गुंडों की तरह पूरे घर के जितने मेंबर थे उन सबको पीटा गया। बात करते हैं भाई साहब से, क्या कहानी है पूरी। क्या नाम है भाई साहब का? मेरा नाम विकास कुमार मिश्रा होगा। मैं जोमेटो कंपनी में काम करता हूँ। और जैसे कि उस दिन मुझे मेरी पत्नी ने मुझे सूचना दी कि ऐसी ऐसी बातें, कुछ बात करनी है, आप घर पे आओ, कुछ ज़रूरी बात करनी है। सर, मैं एक डिलीवरी बॉय था, मेरे पास निठारी का ऑर्डर आया और निठारी का ऑर्डर आने के बाद मैं तत्काल अपने घर पे गया। घर पे जाने के बाद मेरी पत्नी ने ये बताया कि मैं एक बात आपसे बताना चाहती हूँ। मैंने बोला, कौन सी ऐसी बात है जो आप मुझे बताना चाहते हो? तो सर, उन्होंने ये बताया कि आपकी बिटिया के साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने कहा कि किसने गलत किया है, कुछ तो बता। तो बिटिया ने अपने मुंह से उसका नाम बताया, जिसका नाम रमेश झा हैगा, उसका नाम बताया, बिटिया ने बताया मुझे। उसके बाद मैं सर आपे से बाहर हो गया। आपे से बाहर होने के बाद थोड़ी बहुत हर माँ बाप अपने आपे से बाहर हो जाता है। और आपे से बाहर होने के बाद चंद शब्द मैंने भी सुना है लोगों को। सुनाने के बाद दूसरे लोगों को सभी सुनाई, जो पहले केस चल रहा था। मैंने कहा, केस ही तो है, लोग मुकदमा से लड़े, कोर्ट से लड़े, जो कोई मुकदमे से होता है मुकदमे से फैसला हो जाएगा। आज ये नौबत आ गई कि किसी की बहन बेटी को किराड़ी विधानसभा में, और किसी का माँ, किसी का पिताजी अगर काम करता हो तो उसको छेड़ा जाएगा। तो फिर तो हमारा काम करना लालच है। और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, तो सर तो फिर तो ज़िंदगी बेकार है हमारी। हम उसके बाद सारी बातें धीरे धीरे दूसरे एक पड़ोसी से हुई। पड़ोसी ने हमारे पे झूठा आरोप लगा दिया, खा पी के ऐसे ही बोल रहे होंगे। सर, जबकि मैं यहाँ पे MLC कराने आया, मेरी MLC ब्रिटिश में कुछ भी नहीं आया। मेरे पे केवल झूठे बेबुनियाद आरोप लगा के इस सिलसिले को किसी न तरीके से दबाने की एक तरीके से कोशिश की जा रही है कि हाँ ठीक है जी, ख़राब। मैं जोमेटो में काम करता हूँ, आज से नहीं कर रहा, काफ़ी वर्षों से काम कर रहा हूँ, फील्ड में कर रहा हूँ। मेरे बारे में आज भी एक भी डिलीवरी के ऊपर कोई ऑप्शन लगाओ, दारू का, किसी चीज़ का या किसी चीज़ का, मैं त्यागपत्र देने के लिए तैयार हूँ अपनी ज़िंदगी से। मैं जोमेटो कंपनी को भी त्यागपत्र दे दूँगा, अगर जोमेटो कंपनी ने फीडबैक में अगर लिख के भेजा हो तो। केवल झूठ मूठ का आरोप लगा देना सर, आज ये है। और दूसरी बात, एक मेरी बहन के ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा था इस किस्म का, कि केस वापसी लेने का। हमने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, केस आप पे लगा है, आप बात कर लीजिए दोनों आदमी, हो जाएगा, कोई बात नहीं। उन पर छेड़छाड़ का केस लगा हुआ है। मैंने कहा कोई बात नहीं, समय के अनुसार लगता। उसने एक फर्जी केस मेरे ऊपर बना रखा है, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, जिस कंपनी में मैं काम करता था, जहां मैं नहीं हूं, केवल बेबुनियाद तरीके से मुझे टारगेट किया जा रहा है। कितने लोग आए थे आपके घर में और क्या क्या, किस किस के साथ मारपीट की है? ये मारपीट मेरे साथ, मेरे भाई के साथ, मेरे पिताजी के साथ, ठीक है, और मेरी मदर के साथ करिए, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेजडी मेरे पिताजी को और मेरी माताजी को और मेरे भाई को भी बहुत ज़्यादा लगी है। कहाँ पे वो सब लोग अभी? ये सब लोग अभी तक 4 दिन 5 दिन हो गए, कोई पुलिस वाला हमें पूछने नहीं आया, और 4 दिन से अभी एडमिट है हमारे मम्मी पापा, और हम लोग केवल उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे खड़े हैं कि खून मांग रहे हैं। कभी अभी तक मैं 2 बोतल अभी डोनेट करा चुका हूँ, 2 बोतल अभी मांग रहे हैं, फिर आगे भी मांग रहे हैं। तो सर, मैं तो किसी तरीके से सोच रहा हूँ किसी की जान बचे। सर, आज ना मेरे 2000 जो अभी जो है 18 तारीख को 2020 में जो है मेरी मम्मा को मारा, तो उस टाइम से मैं हॉस्पिटल हूँ, तो मुझे थाने जाने का समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं मम्मा को छोड़ के तो हम लोग नहीं जा सकते। तो मेरे को थाने से कॉल आई कि आप जो है आके अपना बयान दे दीजिए। तो मैं वहाँ पे, मैंने कहा टाइम निकाल के कैसे भी किसी को दिखा के हम आते हैं। हम वहाँ थाने गए तो वहाँ पे थाने वालों ने बोला, इस लड़की को धक्के मार के निकालो, इसको जो है गेट से ही भगाओ। मेरा फ़ोन छीन के सर रख लिया, उसके बाद बहुत बदतमीजी हुई, जिसको मैंने फेसबुक लाइव भी दिखाया। फिर जो है उसको बाद में परसों
फिर जो है मैं कल का दिन छोड़ के आज जो है फिर डीसीपी ऑफिस गई, एसीपी से मिली और एसएचओ सर से मिली। पहले मैं डीसीपी सर के पास गई, उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट से बात की, उन्होंने मेरी जो है सहायता का भी आश्वासन दिया और उन्होंने बोला हमने एसीपी सर को कॉल किया, आप वहाँ चले जाओ। फिर मैं वहाँ गई पर एसीपी सर ने हमें कोई कॉर्पोरेट नहीं किया। एसीपी सर ने थाने में कॉल लगाई, उसके बाद में वो हमें कहते हैं कि जो है तुम्हारी एफआईआर 2018 में हो चुकी है, अब तुम्हारी कंप्लेंट नहीं ली जाएगी और तुम कभी थाने गई नहीं। मैंने कहा सर मैं वारदात वाले दिन भी थाने में गई हूँ, ठीक है, उससे अगले दिन भी मैं थाने में गई हूँ और आप कह रहे हो थाने में ही नहीं गए। ठीक है, ठीक है। तो अब समस्या देख रहे हैं कि थानों के चक्कर तो लगाए जा रहे हैं, एफआईआर के कागज भी इन लोगों के पास हैं, लेकिन वही बात है कि ना तो इनके खिलाफ इनके पक्ष में कोई शिकायत लिखी जाती है और ना ही कोई एक्शन लिया जाता है। पूरा परिवार आप समझिए इस चीज़ को, बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चे तक अस्पताल में इनके भर्ती हैं और बुरी तरह जख्मी हालत में हैं, लेकिन अभी भी इनको लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। ये तीन दिल्ली एनसीआर की बाकी तमाम खबरों को आप देखते रहे दिल्ली दर्पण के। नमस्कार।